गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू स्टेट स्टडी 247। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जेओए अकाउंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बेसिकली जेओए अकाउंट सीरीज का पार्ट 30th है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने पार्ट्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक डिटेल सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी बना रखी है, तो आप जाएँ एक बार जेओए अकाउंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। इससे रिलेटेड मैं कुछ अलग अलग वीडियोस भी लेके आऊँगा अभी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहें शुरू से लेकर एंड तक, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेज ऑफ मूवेबल एसेट्स बाई ए कंपनी कैन बी सर्च्ड एट विच प्लेस। तो आपको बताना है, कोई भी कंपनी अगर अपने मूवेबल एसेट्स को प्लेज रखती है तो उसकी सर्चिंग उस कंपनी ने किस एसेट को प्लेज किया है, किस बैंक के साथ बेसिकली वो चीज़ें प्लेज की गई हैं अपने मूवेबल एसेट्स को, तो वहाँ पे आप कहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। तो बिल्कुल सही आंसर होगा रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, आर ओ सी भी बोला जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाई ए कंपनी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन। तो दोस्तों, बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। सपोज करो आपकी कोई भी कंप्लेंट बैंकिंग की, अगर सपोज करो कोई भी आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या एनी कंप्लेंट है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो आपकी अगर बैंक लेवल पे सॉल्व नहीं होती है तो आप बेसिकली बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन के पास जा सकते हो। वो बेसिकली जो भी आपका जो भी उनका फाइनल डिसीजन होता है उसको अवार्ड कहा जाता है। ये भी याद रखना, जो भी बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन जो आपका जो उसका फाइनल डिसीजन देता है आपके लिए, तो उसको बेसिकली बोला जाता है अवार्ड प्रोड्यूस्ड बाई बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन। तो बेसिकली ये तो क्या करेगा, जितनी भी रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स होंगी अगेंस्ट बैंक्स रिगार्डिंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी, इंक्लूड्स मीडिएशन, पर्सुएशन एंड एडजुडिकेशन। इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी हैविंग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो बेसिक आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सर्च फॉर कॉरपोरेट गारंटी गिवन इन रिलेशन टू एनी अदर कॉरपोरेट बॉडी कैन बी मेड एट। सपोज करो कोई भी कंपनी है, उसने कोई कॉरपोरेट गारंटी दी हुई है, ठीक है, किसी भी कॉरपोरेट बॉडी के लिए। एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी के लिए अगर बाई चांस या फिर किसी अपनी सब्सिडरी के लिए कोई गारंटी दी है, जिसको बेसिकली बोला जाता है कंपनी की कॉरपोरेट गारंटी, तो अगर आपको वो सर्च करना तो आप कहाँ कर सकते हो। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रजिस्ट्रार ऑफ गारंटीज मेंटेन्ड बाई ए कंपनी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फेरा, दैट इज फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इट वॉज रिप्लेस्ड बाई फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम व्हाट डेट। तो कब से ये बिल्कुल चालू हो गया था, तो आपको याद होगा फीमा को 1999 में लेके आए थे, बट ये कब से इफेक्ट में आया, ये आया 1 जून 2000 से ये इफेक्ट में है। तो ये डेट याद रखना, 1 जून 2000, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा भी कई बार जा चुका है। सो 1 जून 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेनोर ऑफ इशू ऑफ कॉरपोरेट या फिर बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी अप टू हाउ मेनी मंथ। तो आपको बताना है, जो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डेट डिपॉजिट होते हैं तो उनका टेनोर, उनका टाइम पीरियड कितना होता है। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लो रिस्क सेविंग टूल दैट कैन बूस्ट द अमाउंट यू कैन अर्न इन इंटरेस्ट व्हाइल कीपिंग यूर मनी इन्वेस्टेड इन ए रिलेटिवली सेफ वे। तो बेसिकली ये आपके जो बिल्कुल सेफर वे होते हैं, आपकी जो पैसा होता है उस पर कुछ ना कुछ, जो आपने पैसा रखा होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। लाइक सेविंग अकाउंट्स CDs आर, आप देख सकते हैं, लो रिस्क, ठीक है। CDs को भी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को बेसिकली लो रिस्क माना जाता है। जैसे आपके SB को सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा FDs होते हैं, जैसे उनमें लो रिस्क है, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में भी लो रिस्क माना जाता है। तो आपको बताना है कितने टाइम के लिए हो सकते हैं। तो टेनोर कितना होता है, अप टू होता है इनका 12 मंथ, 12 महीने तक ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक करने से होता कुछ नहीं है, हमें जस्ट मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पार्ट्स आपके लिए लेके आऊँ। क्या आपको और भी ऐसे पार्ट्स चाहिए, तो एक बार अपना फीडबैक भी जरूर दे देना अगर आपको लगता होगा कि ऐसे पार्ट्स की आपको और नेसेसरी है। क्योंकि यहाँ से अगर एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया, बट आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आपका जो माइंड है वो ओपन रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट क्लियर होने ज़्यादा जरूरी है। वर्ड टू वर्ड कहीं भी क्वेश्चन कभी भी बहुत रेयर होते हैं कि रिपीट होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉसिबल एरर्स ड्यूरिंग स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़। तो स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़ में बेसिकली कितने तरह के एरर्स होते हैं, जो पॉसिबल एरर होते हैं बेसिकली। सो इन स्क्रीनिंग आइडियाज़ द कंपनी मस्ट अवॉइड टू टाइप्स ऑफ एरर। तो बेसिकली दो तरह के एरर होते हैं। फर्स्ट एरर होते हैं ड्रॉप एरर, ठीक है,
DROP, drop. So drop is an error when a company dismisses others otherwise a good idea. ठीक है, तो drop is an error. Drop का मतलब कि drop कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, dismiss कर देना. It is extremely easy to find fault with other people's ideas. ठीक है, और दूसरा error कौन सा होता है? Drop error होता है. दूसरा होता है go error. Go error occurs when the company permits a poor idea to move into development and commercialization. ठीक है, drop में मतलब कि dismiss कर दिया, go में मतलब कि उस कंपनी को पता भी है कि ये जो product है ये poor है या फिर ये idea poor है, but फिर भी उसको वो आगे development और commercialization में use कर देते हैं. तो बस आपको इतना याद रखना है, screening of ideas होते हैं 2 types के, first is drop and second is go. नेक्स्ट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फीचर इंप्रूवमेंट आर. तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव है फीचर इंप्रूवमेंट का. कभी भी हम किसी भी प्रोडक्ट अगर फीचर इंप्रूव करते हैं तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो कितना सेफर है, क्योंकि जितना ज़्यादा सेफ्टी होगी उतना ही ज़्यादा वो ड्यूरेबल होगा, उतना ही वो कस्टमर फ्रेंडली होगा. तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं ड्यूरिंग फीचर इंप्रूवमेंट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी. सेफ्टी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब आपको बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, किसी सरकारी कंपनी में. तो मिनिमम कितने हो सकते हैं 7, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. तो कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड. मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज 7 एंड देर इज नो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. मिनिमम 2 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी. इट कैन फ्रीली अप्रोच पब्लिक इन जनरल टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स. द शेयर ऑफ पब्लिक होल्डर कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स फॉर टू एनी अदर पर्सन. तो जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं. सपोज करो कोई ABC कोई भी पर्सन है, या मैं मान लूँ कि राम है, वो शाम को अगर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो ईजिली ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, और फ्री होता है वो. ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड्स टू हैव ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और मोर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पेड अप कैपिटल होती है वो कितनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मिनिमम, तो कितनी होनी चाहिए ₹5 लाख. नेक्स्ट इज एवरी शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, दे आर ओनली लाइबल टू द अनपेड अमाउंट. तो वे ओनली उनकी जो बेसिकली लाइबिलिटी होती है, दे आर लाइबल ओनली टू अनपेड अमाउंट. मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो इंडिया में अगर बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देयर मस्ट बी ए मिनिमम ऑफ 2 शेयर होल्डर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 200. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. द मिनिमम इज 2 एंड द डायरेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कितने होने चाहिए. फॉर डायरेक्टर द मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम 15 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जानबूझ के इंक्लूड किए ताकि आपके दोनों क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएं. नो टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज मैंशन, सच बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड. अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे कोई भी टाइम पीरियड मैंशन नहीं है तो इस तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है, तो इस तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है डिमांड बिल. मतलब कि ऑन डिमांड है, जब भी इसकी डिमांड होगी तब इसकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी. सो नो टाइम पीरियड इज मैंशनड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन है, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है ए डिमांड बिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाटा प्रोसेसिंग NEFT क्लियरिंग सेंटर नेशनल क्लियरिंग सेंटर सेल नेशनल क्लियरिंग सेल ऑफ द RBI इज लोकेटेड एट. तो बेसिकली NCC इसको क्या बोला जाता है NEFT क्लियरिंग सेंटर. तो यही पूछा गया कि जो NEFT क्लियरिंग सेंटर है RBI का वो कहाँ पे लोकेटेड है. तो दोस्तों आपको पता होगा जितने भी आप NEFT करते हो तो वो बैचेस की फॉर्म में, आपको इतनी चीज़ तो क्लियर होगी कि वो बैचेस की फॉर्म में सेटल होते हैं. तो वो सेटलमेंट सारी कहाँ पे होती है, तो वो सेटल होती है मुंबई में. तो नेशनल क्लियरिंग सेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये है नरीमन पॉइंट मुंबई, हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज NEFT क्लियरिंग सेंटर, जिसको बेसिकली NCC बोला जाता है, दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ द NEFT सिस्टम. तो बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये है मुंबई में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिप्स स्टार्टेड इस ऑपरेशन इन विच ईयर. तो चिप्स क्या है बेसिकली, सबसे पहले कभी कभी आपसे हो सकता है कि चिप्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाए. तो चिप्स इज द क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम. तो ये क्या है बेसिकली, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम. इट इज़ ए बैंक ओन प्राइवेटली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. तो इंटरबैंक है, ठीक है, इंटरबैंक मतलब कि बहुत सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे इंडिया में क्लियरिंग हाउस रहता था, इंडिया क्लियरिंग हाउस में क्या बोला जाता है NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वैसे ही यहाँ पे US का है चिप्स. तो चिप्स की फुल फॉर्म में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि यहाँ पे I क्या है, या फिर पूछ सकते हैं P क्या है. तो आपको याद रखना है इट इज़ ए क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम. चिप्स इज बोथ ए कस्टमर एंड ए कॉम्पिटिटर ऑफ द फेडरल रिजर्व फेडवायर सर्विस. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये आपको याद रखना है, इट इज़ ए यूनाइटेड स्टेट प्राइवेट क्लियरिंग हाउस फॉर ए लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन. तो बेसिकली ये किसका है, ये आप है यूनाइटेड स्टेट का, US का. ये बस आपको चीज़ है कि यहाँ पे क्लियर रखनी है,
चिप्स कहाँ का है? यूएस का है, प्राइवेटली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो चिप्स स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन विच ईयर? तो इसने अपने ऑपरेशन कब स्टार्ट किए? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इन 1970, 1970 में चिप्स ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर सकते हैं। आपके शेयर करने से वीडियो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो फीडबैक दे सकते हैं आप कमेंट करके। आई शेल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी। और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो मैं साथ का साथ उसको, या मेरी टीम का कोई मेंबर साथ का साथ उसको रिजोल्व कर देगा। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।